न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है और भारत एट नाइन में आज बात होगी इस वक्त की सबसे चर्चित फिल्म एनिमल की, जिसे रिलीज हुए काफी समय बीत गया है लेकिन फिल्म की धुआंधार कमाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, फिल्म को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी देखी जा रही है। इसका विरोध भी कई जगहों पर हो रहा है। फेमिनिज्म को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मारकाट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर भी बात हो रही है और हमारा समाज किस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इसकी भी बात होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग पीरियड में हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्म को वैसे तो ए सर्टिफिकेट मिला है लेकिन देश का कोने कोने में जहाँ भी छोटे छोटे बच्चों से आप जाइएगा तो पूछेगा, बच्चे बता देंगे कि इस फिल्म में क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी लाइन है, बॉबी देओल का क्या किरदार है, रणवीर कपूर का क्या किरदार है, अनिल कपूर का क्या किरदार है, आपको सब कुछ वो बता देंगे। उन्हें कैसे पता चला? वो तो मूवी देखने नहीं गए थे, उन्हें पता चला सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम रील्स से। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मकसद किसी फिल्म का बॉयकॉट करना नहीं है, किसी फिल्म को गलत बताना नहीं है, किसी फिल्म को प्रमोट करना नहीं है, ना किसी फिल्म का दूसरी फिल्म से कंपैरिजन करना है। देखिए, फिल्में बनती हैं मनोरंजन के लिए लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो गहरी मानसिकता छोड़कर चली जाती है। पॉजिटिव होती है तो थोड़ा कम असर होता है लेकिन नेगेटिव होती है तो बहुत ज़्यादा असर होता है, और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लोगों में इसका क्रेज इस कदर है कि हर कोई, देखिए आपको फ्रेंड सर्कल्स कहीं मिल जाएंगे, कोई ग्रुप मिल जाएगा कॉलेज का, हर कोई ये डिस्कस कर रहा होता है कि एनिमल देखी क्या, एनिमल में वो सीन देखा क्या, एनिमल में क्या रोल किया है रणवीर कपूर ने, कितना वॉयलेंस है, धाकड़ रोल है, बॉबी देओल ने क्या एक्टिंग की है, गूंगा होने के बावजूद भी सिर्फ इसी की चर्चा है हर जगह। लेकिन कोई इसे ये नहीं सोच पा रहा कि इस फिल्म के जरिए कितना गलत मैसेज युवाओं के बीच जा रहा है। देखिए, युवा जो है और जो ग्रोइंग पीरियड में बच्चे होते हैं वो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए या ऐसी फिल्में क्यों बन रही हैं। देखिए, लोग पसंद कर रहे हैं तो ऐसी फिल्में बन रही हैं, लेकिन अब हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं, देखिए अगर हम बात करें तो पुष्पा आई, उसके बाद KGF आई, ऐसी मारकाट की बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, और अब एनिमल में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा जा रहा है और यूथ इसकी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि आज के टाइम पे जो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप किसी को समझाने जाएंगे कुछ पॉजिटिव तो शायद आपकी बात ना सुने, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो ज़रूर कमेंट आएंगे और ज़रूर उस पर चर्चा होगी। कुछ ऐसा ही इस फिल्म का हाल है। इस फिल्म ने 700 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है और बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं इस फिल्म को, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए, फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है लेकिन कई बार इस फिल्म में जो किरदार होते हैं, जैसे रणवीर कपूर हो गए, बॉबी देओल हो गए, अनिल कपूर हो गए, तो इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें आइडल मानते हैं और इन्हीं की तरह सीखते हैं। एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, और कबीर सिंह से पहले आई थी साउथ में अर्जुन रेड्डी, अर्जुन रेड्डी के देखकर ही ये फिल्म जो है बॉलीवुड में, शाहिद कपूर ने इसमें अपना किरदार निभाया था। इस फिल्म में ये यंगस्टर्स को, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हिट किया था इस फिल्म को, लोग कबीर सिंह बनकर घूम रहे थे, और रिलेशन की बात यहाँ पर जाती है तो रिलेशनशिप में अपने जो पार्टनर थे उनको इसी तरह ट्रीट कर रहे थे और वो बहुत कूल अपने आप को दिखा रहे थे। कूल नहीं है किसी पर हाथ उठा देना, मारकाट कर देना, ये कूलनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। ये फिल्मों में हो सकता है लेकिन हकीकत में आप करेंगे तो कानून भी है, सज़ा भी है। ये हमें समझना पड़ेगा और ये हमें समझाना पड़ेगा उन बच्चों को, जो 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के जो यंगस्टर्स हैं ना, इन्हें अपने रोल मॉडल बना लेते हैं और ऐसा ही बनना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करके वो बहुत कूल लगेंगे। आप देखेंगे जब आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो एक ना आजकल गैंग बन रहा है बच्चों का, ये हमारा गैंग है, ये दूसरा गैंग है। कई बार आपने देखा होगा कि इस गैंग के चक्कर में स्कूल के बच्चों की लड़ाई हो जाती है, कॉलेज के बच्चों की लड़ाई हो जाती है, जिसका खामियाजा माँ बाप भुगतते हैं और मासूम बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फिल्म बनाई है संदीप रेड्डी रांगा ने,
जो कि कहा जाता है कि वो ऐसी फिल्में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, इस पे एक राजनीतिक एंगल है। आगे क्यों सामाजिक जो एंगल है उस पर बात करें, लेकिन फिलहाल फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक राजनीतिक एंगल भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो साउथ इंडियन फिल्म्स है ना, वो अपने आप को अलग ही मानती है, इंडस्ट्री अपने आप को अलग ही मानती है, वहाँ के लोग अपने आप को अलग ही मानते हैं। क्या वहाँ पर एक अलग मानसिकता चल रही है जो हिंदी भाषा प्रदेशों में नहीं है? इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। ये फिल्म ए सर्टिफाइड है, रील्स की वजह से देश के बच्चे बच्चे तक इस फिल्म की पूरी कहानी पहुंच गई है। अगर आप रील्स के छोटे छोटे चंक्स को उठाकर देखेंगे ना और मिला लीजिए सबको, तो आपको 3.5 घंटे की पूरी मूवी दिख जाएगी। आखिर क्यों? जब ए सर्टिफिकेट मिला था, सेंसर बोर्ड को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जब आपने ए सर्टिफिकेट दिया तो फिर ये क्यों रील्स के जरिए छोटे छोटे बच्चों तक पहुँच गई है? आप बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं रील्स में वो बॉबी देओल का सीन है, म्यूजिक बज रहा है, वो शराब का ग्लास सर पर रखकर वो डांस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर रील्स धड़ाधड़ रील्स बना दी है फेमस होने के लिए। फेमस होने का भूत इस कदर सवार है इस वक्त युवाओं पर कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये देखते नहीं कि इससे कोई गलत मैसेज भी जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग सिर्फ गलत मैसेज ही दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर भी इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोशल मीडिया पर जो लोग यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बनाते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या आज का युद्ध जो है ना वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। इफ़ हम पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है, ये चेक करने की ज़रूरत है कि फ़ोन में आखिर देख क्या रहा है, उसकी मानसिकता उसके बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है तो उस पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देकर जाते हैं, खुद वही चीज़ करते हैं, खुद वही मूवी देख कर आते हैं। जी हाँ, एनिमल मूवी मैंने भी देखी, लेकिन एंटरटेनमेंट के तौर पर उसमें जो गलत था उसको भी हमने एनालिस किया, उसमें जो सही था, वो जो पापा के लिए प्यार था रणवीर कपूर का अनिल कपूर को लेकर, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था अपने पापा के लिए, वो दुनिया जहान में आग लगा देता है। लेकिन वहाँ पर वो एक बेटा नहीं है, वो एक क्रिमिनल है, 200 लोगों को 300 लोगों को अर्जुन मिली गाने के साथ मार काट के साथ कुल्हाड़ी से काट देता है। अगर आप रियल लाइफ में ऐसा करेंगे तो आप जेल में ही सड़ते रहेंगे। आप सोचिए, 200 लोगों को मार देना बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है, आप समझिए इस बात को। तो ये अपने बच्चों को भी समझाना होगा। आप युद्ध से पूछेंगे और इसकी कहानी पूछेंगे, कहेंगे हाँ हमें वो अपने पापा के लिए देखिए कितना कुछ करता है, अपने पापा 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 करके पूरे मूवी में सबसे सर्वोपरि रखता है अपने पापा को। बहुत अच्छी बात है, वो प्यार जो है होना चाहिए लोगों के अंदर, वो इमोशन होना चाहिए, लेकिन इमोशन के साथ साथ वो समझ भी होनी चाहिए कि हमें कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी है या हमें कानून के तहत रहना है। ये मूवी है, ये हो गया, आप 200 को मार लीजिए, 250 को मार लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, आप पर कोई केस नहीं बन रहा है, लग्जरियस लेविश लाइफ आप जी रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है, उसके पास पैसा है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि पैसे से ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और युवाओं की मानसिकता पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। ये जो जगह जगह आजकल हम देख रहे हैं सामाजिक तौर पर जो गुट बन रहे हैं बच्चों के कि हमारा तो ये गैंग है, हमारा तो वो गैंग है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे गुंडागर्दी वाले गानों पर, अपराधी वाले गाने पर वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, कूल एटीट्यूड है, तो नहीं। और फिर इस तरह की मूवी आ जाएंगी तो फिर लोग भविष्य किस तरफ जाएगा, ये सोचने का विषय है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल देखकर आ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपको क्या लगता है इसमें कि क्या कमी है, तो आप खुद से एनालिस करिए। जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सोचिए समझिए। किसी फिल्म का बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं हम, या ये नहीं कह रहे हैं कि फिल्में नहीं बननी चाहिए कुछ भी, लेकिन कुछ मैसेज जो जाते हैं ना फिल्म से वो गलत तरीके से जाते हैं, और इस फिल्म के साथ वही हो रहा है कि एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं, लोग इसे अपने निजी जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर को निजी जीवन में नहीं उतारना है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत रहने दीजिए। नेगेटिव मत देखिए इसमें, पॉजिटिव जो
फैमिली के लिए प्यार है वो देखिए, उसको समझने की जरूरत है और अपने बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि फैमिली के लिए जो प्यार है आप उस पर फोकस करिए। तो ये हमें समझना होगा। और इसी के साथ एक और मूवी आई है सैम बहादुर, देश के किसी बच्चे से आप जाइए पूछ लीजिए सैम बहादुर कौन थे, किसी को नहीं पता होगा। तो हमने वो चीज नहीं देखने की कोशिश की कि देश के लिए किसने बलिदान दिया। और ऐसी बहुत सारी मूवीज आई हैं, पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक अच्छी मूवी थी, देश की रक्षा पर मूवी थी, अभी आई थी मिशन रानीगंज वो भी सत्य घटना पर आधारित थी, इससे पहले केसरी आई थी वो भी बहुत अच्छी मूवी है, 12वीं फेल अभी मूवी आई वो भी बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन हमारे यंगस्टर्स को इन मूवीज़ के बारे में शायद नहीं पता होगा। ये मूवी आती है थिएटर्स में लगती है, पता चलता है कि हाँ कुछ शोज तो अच्छे चले, कुछ दिन तो अच्छी रनिंग हुई मूवी की, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी मूवीज आके इन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी नेगेटिव चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव अगर आप किसी के पास लेकर जा रहे हैं तो उसे भी नेगेटिव की तरह ही लोग देखते हैं। इन मूवीज़ में क्या पब्लिसिटी की कमी थी या प्रमोट नहीं हो पा रही थी ठीक से, ये हमें समझना होगा। विक्की कौशल सारी मोस्टली मूवीज़ उनकी ऐसी है जिन्होंने अच्छा किरदार निभाया है जो सत्य घटना पर आधारित है, किसी एक पर बायोपिक है। सैम बहादुर भी उसी की तरह मूवी है और थोड़ा सा हम सैम बहादुर को समझ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ देश में किस तरह का माहौल फिलहाल बन रहा है। सैम बहादुर की बात करें तो दर्शकों का दिल इसने जीता है, बहुत सारे क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा है इस फिल्म को। तो भारतीय सेना इतिहास के अभिलेखों में सैम मानेकशॉ का नाम करिश्मा और आदित्य वीरता से गूंजता है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में पारसी माता पिता के घर जन्मे, वो फील्ड मार्शल की प्रतिष्ठित 5 सितारा रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी बने जो 4 दशकों से ज्यादा के करियर के चरम पर था। सोचिए इतना महान व्यक्ति, हमारे देश के अभी जो नौजवान हैं जो युवा हैं उन्हें नहीं पता होगा सैम बहादुर कौन है। अब शायद थोड़ा बहुत पता चल गया हो क्योंकि इस पर मूवी बन गई, लेकिन पहले शायद ना पता हो। विक्की कौशल ने बखूबी इस किरदार को निभाया है। देखिए भारतीय सेना अधिकारी बने जो 4 दशकों से ज्यादा के करियर के चरम पर था, विक्की कौशल, फातिमा, सना शेख और सानिया मल्होत्रा अभिनीत मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित नई बॉलीवुड फिल्म सैम बहादुर फील्ड मार्शल के जीवन और सेना सेवा के 4 दशकों के दौरान उनकी यात्रा पर आधारित है। अब यहाँ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए सैन्य डॉक्टर परिवार के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा रखने के बावजूद जब युवा मानेकशॉ ने सेना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फैमिली नहीं चाहती थी लेकिन वो डरे नहीं, निडर होकर उन्होंने अपने परिवार की अपेक्षाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। 1932 में वो नामांकन करने वाले पहले 40 कैडेटों में से एक बने और एक असाधारण यात्रा के लिए मंच तैयार कर लिया। अब जरा सा इनकी युद्ध और विजय पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इनकी भावना चमक उठी थी जब उन्होंने 5 अलग अलग युद्धों में भाग लिया था जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 का भारत पाकिस्तान संघर्ष, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और निर्णायक बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शामिल थे, 1971 का भी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने जहां उन्हें बर्मा में जापानियों के खिलाफ जीत के लिए अपनी इकाई का नेतृत्व किया, गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना वो इसके आते हैं। देखिए उनके पारसी वंश की वजह से, क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी पारसी थे, तो मानेकशॉ इंदिरा गांधी को स्वीटी या स्वीट हार्ट कहते थे। वो प्रधानमंत्री थी फिर भी बहुत आराम से उन्हें स्वीटी स्वीट हार्ट वो कह दिया करते थे। और जब उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले भारतीय सेना की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी, लेकिन उन परिस्थितियों को उन्होंने बदला कि हम हमला करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ कमियां हैं, हमारे पास उतने हथियार नहीं हैं और अगर चीन पाकिस्तान की मदद करता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को माना और जब ठंड का वक्त आया क्योंकि चीनी सीमाओं में उस वक्त
बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो हमला करना आसान होगा, चीनी सेना मदद नहीं कर पाएगी पाकिस्तान की। तो तब इंदिरा गांधी खुद उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो वो सीधा बोलते हैं कि हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। तो एक खुशमिजाज जिंदा दिल शख्सियत सैम बहादुर, जिसकी कहानियां आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सितांग ब्रिज की जीत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानिक शॉ का साहस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। अपने आधे सैनिकों को खोने और एक बड़ी चोट के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को सितांग ब्रिज पर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं इन्फेंट्री डिविजन के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल डेविड कोवान ने मानिक शॉ की बहादुरी को सलाम किया, व्यक्तिगत रूप से उन पर अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन लगाया और घोषणा की कि एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित नहीं किया जा सकता। सोचिए कितना बड़ा सम्मान उन्हें मिला था। नेतृत्व और पहचान क्या थी इनकी? नेतृत्व और पहचान थी 24 मई 1953 को रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स 61 कैवलरी के कर्नल के रूप में नियुक्त मानिक शॉ ने विशिष्टता के साथ सेवा जारी की थी। 1969 में उन्होंने सेनाध्यक्ष की भूमिका संभाली और भारतीय सेना को अभूतपूर्व दक्षता तक पहुंचाया। 8वीं गोरखा राइफल के सैनिकों ने, जिनमें से उन्हें 1947 में स्वतंत्रता के बाद स्थानांतरित किया गया, उन्हें बहादुर उपनाम दिया गया। उसी समय से सैम बहादुर उनका सामान्य नाम बन गया। उनके योगदान को देखते हुए 1968 में पद्म भूषण और बाद में 1972 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे बनने की दरकार है, ऐसे बनने की जरूरत है देश को। पहले गैंग बना करती थी देश को बचाने के लिए, देश की सेना में शामिल होने के लिए, अब गैंग बनती है अपना ही गुट बनाने के लिए। ऐसी शख्सियत बनिए जो देश के लिए काम आए, जो देश के लोगों के लिए काम आए। रणबीर कपूर का अच्छा कैरेक्टर है एनिमल में, लेकिन दो तरफा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप ये डिसाइड करिए आपको नेगेटिव चुनना है या पॉजिटिव चुनना है। नेगेटिव मारकाट, पॉजिटिव फैमिली के लिए इतना ज्यादा प्यार, आप सोचिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। थल सेनाध्यक्ष के रूप में मानिक शॉ ने सेना, नौसेना और वायुसेना के निर्बाध सहयोग का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1965 में पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की हार हुई थी। सबसे बड़ी उपलब्धि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मिली, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की मुक्ति और एक रणनीतिक प्रतिभा के रूप में अपनी विरासत को उन्होंने मजबूत किया। तो ये था इनका इतिहास सैम बहादुर का, जिस फिल्म पर शायद आज का युवा फोकस नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखी, लेकिन आज भी युवाओं से पूछ लीजिए, शायद उन्हें नहीं पता होगा कि सैम बहादुर कौन थे, कैसे नाम पड़ा और किस चीज़ के लिए फेमस थे, इतने सारे युद्ध में उन्होंने कैसा योगदान दिया, उन्हें कौन कौन से मेडल मिले थे, ये उन्हें कुछ नहीं पता होगा। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि हमें देश के लिए आगे बढ़ना है, हमारे युवाओं को, क्योंकि यही देश का भविष्य है, समझना है कि आखिर हमें पॉजिटिव की तरफ देखना है या नेगेटिव की तरफ देखना है। ऐसी मूवीज़ आगे भी शायद बनेंगी, पहले भी बन चुकी हैं और अभी तो चल रही है एनिमल। क्रेज़ होना अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट की तरफ फिल्म को देखिए, उसके कैरेक्टर से अपने आप को जोड़कर मत देखिए अगर नेगेटिव है तो। एक विलन का वो किरदार निभा रहा है, लेकिन हम उसे हीरो मान रहे हैं, अंतर है, बहुत अंतर है। तो उसे सोचिए समझिए, सैम बहादुर जैसे बनिए। ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे ग्रोइंग पीरियड में हैं, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, अंत में भी कह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने बढ़ते बच्चों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है, यही आपका भविष्य है। ये आपके हाथ में है कि आपको भविष्य अपना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है या नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप उस पर नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि उनका आप वो डिसीज़न नहीं ले सकते, वो सोच सकते हैं। तो परिवार में जैसा हो रहा होता है वो वैसा ही सीखते हैं, समाज में जैसा हो रहा है तो वो वैसे ही सीखते हैं। मूवीज़ देखिए, इन्जॉय करिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, लेकिन अगर कोई अच्छी कहानी आती है उसके बारे में भी अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। भारत 9 के आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।